कुछ वक्त था, इसलिए वो कुछ देर के लिए जोधपुर घूमने लगा। खूबसूरत वादियां, झीलों और झरनों से टकरा कर आने वाली ठंडी। मैं रणविजय। आ गए तुम, आओ आओ। कैसा लगा हमारा राज संबंध? मैं थारा ही इंतजार कर रही थी। आओ सा, आओ, थारा कमरा दिखा दूं। अंदर नहाने का गर्म पानी, तौलिया, सब कुछ है। और भी कुछ चाहिए तो बोल देना सा। हाँ अच्छा, थारे वास्ते ये चिट्ठी मिली थी मारे को। बुढ़िया ने रणविजय को एक लिफाफा थमाया। रणविजय ने कमरे में पहुंचते ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और फिर वो चिट्ठी खोली। थकान से जान निकल गई। देखो क्लाइंट ने क्या लिखा है। 4 दिसंबर, राजसमंद में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कल 3 बजे तुम्हारी रत्नागढ़ की यात्रा शुरू होगी। रानी की सराय से निकलकर काली घाटी पहुंचना। वहां मेरी शाही बग्घी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सफर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा दोस्त डैनी डिकोस्टा। ऐसा क्या है? दिन नहीं, रात सा रात। माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे हैं सा। धरती पे उतरे हैं सारे प्रेत। रणविजय ने उसकी बातें समझने की कोशिश की, पर घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार कर रहा था, इसलिए वो पलटा और आकर घोड़ा गाड़ी में घुस गया। हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा। गाड़ी वाले ने चाबुक चलाई और घोड़ा गाड़ी दौड़ी। रणविजय ने पीछे पलट कर देखा तो बुढ़िया अभी भी हाथ उठाए उसे रुकने को कह रही थी। रुक जाओ सा, रुक जाओ। भड़वानसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। और जब घोड़ा गाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी तो वो वहीं रास्ते में ठहर गई। रणविजय को बुढ़िया की बातें उलझन में तो डाल रही थी, पर उसे काम भी पूरा करना था। उसके बॉस और डैनी के बीच एक बहुत बड़ी लैंड डील होने वाली थी और जिसकी सारी जिम्मेदारी रणविजय पर ही थी, जिसके लिए उसे रत्नागढ़ पहुंचना था। तभी उसे अपने गले में लटकता हुआ ताबीज जैसा कुछ दिखा और उसे याद आया कि शायद बुढ़िया ने उसके सामने गिड़गिड़ाते वक्त वो ताबीज उसके गले में डाल दिया। जाने वो उस वक्त उस बुढ़िया की वहमी बातों पर यकीन कर पा रहा था या नहीं, पर हाँ वो अंदर से डर ने रास्ता दिखाने की आशा। चल 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 ना। तो कब तक आएगी काली घाटी? घोड़ा थन गया, मतलब काली घाटी अब रत्नागढ़। क्या